सो अभी मॉर्निंग हो गई है और मैं यहाँ बना जा रही हूँ। आटा गूंद लिया मैंने रोटी के लिए और अभी बज रहा है 9। मैं जल्दी बनाऊँगी रोटी क्योंकि फिर सारा काम रह जाता मेरे ऊपर। ये सारा काम है, काम वाली आई नहीं आई मेड में हमारी, तो झाड़ू भी देना पड़ती है और रोटी बर्तन वाली तो चली ही गई, निकली गई, तो इसलिए अभी मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। और ये पराठे का आटा गूंद रखा हुआ है थोड़ा सा कल का, तो मैं इसका पराठा बना दूँगी। और ये रोटी का रखा है, इसमें से भी एक दो देखूँगी, पराठा पानी बना लूँगी, बच्चों के लिए भी उठेंगे। आज बच्चों के एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि RDM को ऑर्डर पर छुट्टी हो गई थी, और तो बच्चे अभी सो रहे हैं, तो देखती हूँ क्या करती हूँ उनके लिए। पहले देखती हूँ तो हस्बैंड के लिए 2-3 पराठे बना लेती हूँ, 2 पराठे उनके लिए बस, फिर उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूँगी। दूसरा कुछ चाय पी ली है, अभी सलवा यहाँ पर सो रही है आराम से, और हसन उधर रूम में अब्बा के साथ सो रहे थे अपने, वो अभी सो रहे हैं। तो अभी बाद में क्लीनिंग व्लीनिंग करूँगी, पहले थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता दे दूँ इनको। माँ बाहर बैठी हूँ, बाहर गई हुई है घूमने क्योंकि वहाँ डॉगी बोल रहे हैं बहुत सारे, और आई धूप ही निकल आई है। धूप देखिए, DM ने जैसे ऑर्डर दिया, ये कपड़े वपड़े फोल्ड करके रखे, ये आ गई माँ। माँ माँ वाह बात है, क्या हुआ, नीचे क्यों देख रही। और देखिए मौसम भी साफ हो गया है, मौसम भी क्लीन हो गया, अब इतना बादल बादल, अभी तो धूप निकली हुई थी। ये देखिए पानी ऐसे भर जाता है यहाँ पर, ऐसे ही जगह जगह पे भर जाता है, वो कुछ नीचा भी है वहाँ पर, ये ऊँचा हो गया वो उधर नीचा हो गया है, तो इसलिए भर जाता है, ये ऊँचा है और वो नीचा है सब, तो इसलिए पानी भरता है वहाँ पर। कुछ ड्रेनिंग सिस्टम मोटर लगाया गया, कुछ ड्रेनिंग सिस्टम चल रहा है वहाँ पाइप से, देखिए वो पाइप से चल रहा है ड्रेनिंग सिस्टम, वो चल रहा है। फिलहाल मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद में कुछ काम करूँगी दूसरा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी यहाँ पर ठीक है। गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी बज रहे हैं 12:30 और सलवा और हसन अभी कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई। हसन तो बैठ लेटे हुए हैं, बैठे हुए आराम से, हसन देर में उठे क्योंकि 4 बजे सोए थे। नहीं हाँ, 2 बजे सो गए थे, 2:30 बच्चे, मैंने देखा नहीं, तुम तो जाग रहे थे 2 बजे तक, तो तुम जाग रहे थे, तो जागते रहे थे, इससे तो अच्छा। तो अभी ये लोग जाग रहे, अभी हम, मेरा खाना भी बन गया और हम जा रहे खाना खाने, इनके अब्बा ने खा लिया है, तो अभी हम 3 बचे हैं खाना खाने के लिए। हैं उनको भूख लग रही थी, खा लिया, लेकिन हमें अभी लोगों को, हम लोग को भी भूख नहीं लग रही, तो इनके एग्जाम हो गए आज के पोस्टपोन और वो बढ़ गए आगे। मेरे तो उठने की तारीख आसान का भी तो लीव में ही बढ़ा दिया है, लीव थी तो कल। माँ कहाँ चली गई? कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? यहाँ बैठी, इधर बैठी है। ठीक है फिर, अब अभी हम खाना खा लेते हैं और अभी ये लोग चेंज वेंज करेंगे जो नहाए वहाएंगे। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, मुझे भी भूख लगने लगी है आज बहुत तेज। सो गाइस, हसन यहाँ पर देखिए चाय पी रहे हैं शाम के 6 बजे की, अभी पढ़ पढ़ के बैठे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया है इन्होंने, और यहाँ पर ब्रेक लेके यहाँ पर चाय और बिस्किट, बिस्किट देखिए बॉक्स के अंदर, नो नमकीन। सलवा कहाँ गई? सालू, सालू जी, सालू कम ऑन, कम ऑन सालू, आई सेड कम ऑन, कम हियर, वेयर आर यू? नहीं वो ख़त्म हो गई वाले, माँ भी आ गई हैं, ये देखिए लड़ाइयाँ हो गई हैं, झगड़ा हो रहा है यहाँ ऊपर। क्या है, अब सो के उठ के आई हूँ, खाना मांग रही हूँ। गाइस देखिए सो के उठ के आई हैं, और आके पहले तो मेरे पैर यहाँ पर रखे हुए थे, तो मेरे पैर आके पैरों पे पता नहीं क्या करने लगी,
अब तुम यहाँ आई हो है, तुम यहाँ आके बैठ गई, मुझसे करी मियाँ, चलो खाना दो। और नींद इतनी आ रही है, बताइए मैं क्या करूँ। सर के सर क्या हुआ? अब देखिए 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 इनको, देखिए देखिए क्या हुआ। अभी दे रही हूँ, चलो खाना दे रही हूँ, क्यों नहीं दे रही हो? चलो चलो, गुस्सा देखिए आप इनका। शोपाल कुशोपाल, मेरे सोना का, मेरे सोना का राजा बेटा। इसमें गीले में तेल डाल रही थी, सलवा बना रही है फर्स्ट टाइम, इसमें मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के फ्राई पैन में पराठा, और पराठा पराठा देखो आज कितना खूबसूरत बन रहा है। अफगानिस्तान का नक्शा हो गया ये मैप बनाया है इन्होंने। वेयर इज योर स्लीपर? पहनो सही से पैर में। तो अभी ये तवे पे करने जा रही है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो कैसा रहता है इनका एक्सपेरिमेंट वो देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं। मगर पराठे का नक्शा बहुत अच्छा है, और मैंने बना के रखे हैं भी, ये भी मैंने बनाए हैं सब बच्चों के लिए पराठे। इतना लंबा पराठा, इतना पतला सा मेरे लिए। पानी जलने वाला है, चेक करें पानी में उंगली डाल के। मैंने गाइस मैंने नीचे कहा पानी में उंगली डाल के थोड़ा सा पानी में चेक करें कैसा लग रहा है, पानी गर्म है क्या ठंडा है, ये देखें तो इससे पता लग जाएगा पराठा होगा कि नहीं होगा। स्पून लो सही से, स्पून कहाँ गया? स्पून से डालो चारों तरफ फैलाओ। तभी सरबत तेल डालने लगी इसमें, ऑयल देखिए अब पूरे में फैला दो। अब नहीं तेल इतना मत डालो बस, अब फैलाओ सिर्फ। अरे यार पता नहीं मुझे क्या पता, क्योंकि मैंने भी कभी बनाया थोड़ी है मिट्टी के बर्तन में कुछ भी। चलो अब धीरे से डालो, धीरे से। कहाँ डाल दिया हटो। मम्मा निकालने जा रही है पराठा चिपका हुआ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मम्मा यार मेरा अगर आप खराब हुआ ना तो आपकी वजह से होगा। आपकी वजह से हुआ, आपकी वजह से होगा, मेरी वजह से। मेरा पराठा आपने तेल लगाया तो आपकी गलती। तेल तेल नहीं लगा दी, मिर्ची पक जाता सब। वो कहाँ है? स्पून लो वहाँ से। अब सलवा लेने लगी स्पून। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला नहीं लो, वाला लो। कौन वो वाला? दूसरा वाला, कट जाएगा इससे तुम्हारा पराठा। चलो सही बन रहा है, अफगानिस्तान का मैप नक्शा। अब ऑयल डालो, थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डालो जिससे वो सिके, और यूं करके ऐसे करके सेको घिस घिस के। मलाई सिखाओ, मलाई एंड दाल। सो गाइस फाइनली सलवा पराठा हो गया रेडी। इधर दिखाओ पराठा अपना सही से अपने साथ में। उफ भूख इतनी तेज लग रही है। मैं जा रही हूँ अपने पराठे बनाने बच्चों के लिए और ज़्यादा। यहाँ पर सब रखे हुए रेडी टू ईट, बस थोड़ा सा रेडी और करना, ऑलमोस्ट रेडी टू ईट रखे हुए। कोल्ड ड्रिंक अच्छी थोड़ी, सूखे जा रहे हो कोल्ड ड्रिंक पी पी के। अच्छा अब मत लेके आना कोल्ड ड्रिंक, मैं ना देख लूँ कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी। एक सिप दे दो इसे, एक सिप दो। तो दो ना, नहीं आराम से पियो, ऐसे भी नहीं जब कोई दे रहा तो जा भी नहीं रही है अंदर। तुमने तो लड़कियों वाला चिप लिया है, अब दो चिप्स दो। अच्छा ये बताओ क्या दुआ दे रही थी? अभी हमारे पास लेटी लेटी सलवा पानी मांग रही थी, क्या दुआ मांग दे रही थी? आपका लगभग जन्नत नसीब करवाएगा, उम्रा करवाएगा, हज करवाएगा। देखिए जन्नत नसीब करवाएगा, माँ से पानी मंगा रही हूँ, करीब जन्नत नसीब करवाएगा। तभी से मार मैंने के लेटे, तुम तो हमें लेटे लेटे मार डाल रही हो। मेरे पास आके लेटी, हज करवाएगा ना? हाँ जन्नत पहले नसीब करवा दे, बाद में हज करवाएगा। अल्लाह ये दुआएं दे रही है,
जाएगी ना पानी। तुम क्या कोई से जमाने की दुश्मन हो जो जन्नत नसीब करवाएगा पहले? नहीं, हम तो आपके लिए दुआ ही कर रहे हैं। ये दुआ होती है मरने के बाद होती जन्नत नसीब? तो तू क्या हो गया, मरना सबको ही है। अच्छा तो मर जाए? नहीं। सो गाइस फिर से सलाम आपको, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। और मैं आज आपके सवाल थे तो उसके मैं जवाब देने आई हूँ। तो मैं एक सवाल का जवाब देती हूँ आपको, बाकी कि मेरा एक सवाल था कि आप सब लोग का, कि आप जो है आपके हस्बैंड साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं? और आप लखनऊ से? सो मैं लखनऊ से नहीं हूँ और मैं अलीगढ़ रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड साथ नहीं रहते क्योंकि उनको, वो अपने गांव में रहते हैं, अपने घर रहते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है। और मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर रहती हूँ। और हाँ, मैं और बच्चे दोनों लोग, तीनों लोग, हम लोग तीनों यहाँ पर घर पे अकेले रहते हैं। सो हस्बैंड आते जाते रहते हैं 1 मंथ में, हफ्ता और 10 दिन के लिए, हफ्ता भर के लिए तो आते हैं, 1 वीक के लिए आते हैं। और क्योंकि मुझे यहाँ पर पढ़ाना है बच्चों को और उनको वहाँ पर काम संभालना है, तो वो अपना काम संभालते हैं और मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो लेना ले जाना, पिक और ड्रॉप और ये सब होता है, तो बच्चों को देखना पालना सब कुछ होता है। तो मैं यहाँ पर रहती हूँ और हस्बैंड अपने घर पे रहते हैं। सो अब दूसरा कुछ भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और कमेंट से भर दीजिए प्लीज़। और जिसने भी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव और जितने भी सब लोग हैं आपके कांटेक्ट में, प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए और कमेंट से भर दीजिए अच्छे अच्छे कमेंट से प्लीज़, प्यारे प्यारे कमेंट करिए, हमें भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें प्लीज़। और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के साथ में, और पूरा स्किप करके ना देखें, पूरा पूरा देखें प्लीज़। तो सो गाइज अभी हम चलते हैं तो ब्लॉग को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।